Internal energy change in the system absorb 2 calorie of heat and 500 joule of work. इसमें से हमें कहता है कि change in internal energy हमें निकालना है. देखो, system absorb करता 2 calorie heat. Delta Q is equal to 2 kilo calorie. मतलब 2 into 10 की power 3 और 4.2 जूल. 10 को क्या 84 इतना जूल. दिस इज द इंटरनल एनर्जी अब्सॉर्ब हुआ तो प्लस लूंगा. थर्मोडायनेमिक्स का साइन आपको बेहतर तरीके से पता है. हीट वर्क डन जो हुआ W डेल्टा W 500 जूल आ गया. तो डेल्टा यू निकालना बहुत आसान है. डायरेक्ट यूज कर दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. डेल्टा हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज यूज्ड एज ए इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 840 ऑलरेडी दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों. डेल्टा यू हमें चाहिए और प्लस ये 500 जूल. इसमें से 500 घटा दोगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 799 जूल आ जाएगा. ठीक है, सी ऑप्शन सही है.